many greetings to all in one and only your educational platform royal education with vanshika if you are new to my channel then please subscribe to my channel and press the bell icon for further updates like my video and share with your friends let's begin hello everyone welcome back to my channel today we are going to study story number two of Gadya sankalan jiska naam gauri जिसको लिखा है सुभद्रा कुमारी चौहान ने लेट्स so, बिगिन देखते हैं क्या क्या है इस स्टोरी में शाम को गौधुल के बैला कुली के सिर पर सामान रखवाए जब बाबू राधा कृष्ण अपने घर आए तब उनके भारी भारी पैरों की चाल और चेहरे के भाव से ही कुंती ने जान लिया कि काम वहाँ भी नहीं बना बाबू राधा कृष्ण कौन है गौरी के पिताजी और कुंती कौन है गौरी की मदर ओके okay? कुली के सिर पर से उन्होंने बिस्तर, बिस्तर उतर बिस्तर उतरवाया बाबू राधा कृष्ण ने उसे कुछ पैसे दिए किसको कुली को कुली सलाम करके चला गया और वह पास ही पड़ी एक आराम कुर्सी पर जिसके स्प्रिंग खुलकर कुछ ढीले होने के कारण इधर उधर फैल गए थे गिर से पड़े उनके इस प्रकार बैठने से कुछ स्प्रिंग आपस में टकराए जिससे एक प्रकार की झनझन की आवाज़ हुई पास ही बैठे कुत्ते ने कान उठाकर इधर उधर देखा और भाव वर करके भौक उठा इसी समय उनकी पत्नी कुंती ने कमरे में प्रवेश किया काम की सफलता या असफलता के बारे में कुछ भी न पूछकर कुंती ने नम्र स्वर में कहा चलो हाथ मुँह धो लो चाय तैयार है चाय राधा कृष्ण चौक से पड़े चाय के लिए तो मैंने कहा ही नहीं था फिर कुंती बोलती है नहीं कहा था तो क्या हुआ पी लो कुंती ने आग्रहपूर्वक कहा अच्छा चलो कहकर राधा कृष्ण कुंती के पीछे पीछे चले गए गौरी अपराधिनी की भांति माता पिता दोनों की दृष्टि से बसती हुई पिता के लिए चाय तैयार कर रही थी ये ये स्टोरी गौरी के ऊपर ही बेस्ड है गौरी मेन करेक्टर है इस स्टोरी की जैसे कि हमें नाम से ही पता चलता है उसे ऐसा लग रहा था कि पिता की सारी कठिनाइयों की जड़ वही है ठीक है क्योंकि उसकी क्योंकि उसका विवाह नहीं हो रहा था तो वो यही सोचती थी कि पिता की जितनी भी कठिनाइयाँ हैं सबकी जड़ मैं ही हूँ मेरे वजह से ही वो लोग परेशान रहते हैं ना वह होती और ना पिता को उसके विवाह की चिंता में इस प्रकार स्थान स्थान घूमना पड़ता वह मुंह खोलकर किस प्रकार कह दे कि उसके विवाह के लिए इतनी अधिक परेशानी उठाने की आवश्यकता नहीं माता पिता चाहे जिसके साथ उसकी शादी कर दे वह सुखी रहेगी ना करें तो भी वह सुखी है जब विवाह के लिए उसे जरा भी चिंता नहीं तब तब माता पिता इतने परेशान क्यों रहते हैं गौरी यही ना समझ पाती थी कभी कभी वह सोचती क्या मैं माता पिता को इतनी भारी हो गई हूँ रात दिन सेवा मेरे विवाह के उन्हें और कुछ सोचता ही नहीं तब आत्मग्लानी और शोभ से गौरी का रोम रोम व्यथित हो उठता उसे ऐसा लगता कि धरती फटे और वह समा जाए किंतु ऐसा कभी ना हुआ गौरी वह जो फूनों के चांद की तरह बढ़ना भर जानती थी घटने का जिसके पास कोई साधन न था बाबू राधा कृष्ण के लिए चिंता की सामग्री हो गई थी गौरी उनकी एकमात्र संत... एक संतान थी गौरी सिंगल चाइल्ड थी उसका विवाह वे योग्य वर के साथ करना चाहते थे यही सबसे बड़ी कठिनाई थी योग्य पात्र का मूल चुकाने लायक उनके पास संपत्ति ना थी यही कारण था कि गौरी का यह उन्नीसवा साल चल रहा था वह नाइनटीन ईयर्स की थी फिर भी वह कन्या के हाथ पीले ना कर सके थे गौरी ही उनकी अकेली संतान थी छुटपन से ही उसका बड़ा लाड प्यार हुआ था प्राय उसके उचित अनुचित सारे हट पूरे हुआ करते थे इसी कारण गौरी का स्वभाव निर्भिक दृढ़ निश्चयी और हटीला था अगर करेक्टर लिखना आता है किसी का तो आप उसके बारे में ये सब लिख सकते हैं जैसे गौरी का आ गया तो आप लिख सकते हैं ठीक है सब कुछ गौरी के बारे में ही बताया जा रहा है वो सिंगल चाइल्ड थी उसका स्वभाव निर्भीक दृढ़ निश्चयी और हटीला था क्योंकि बचपन से ही उसकी सारी हटें पूरी हुआ करती थी वो सिंगल चाइल्ड थी ठीक है तो आप ये सब लिख सकते हैं वह एक बार जिस बात को सोच समझकर कह दे फिर उस बात से उसे कोई हटा नहीं सकता था पिता की परेशानियों को देखते हुए इन्हें एक बार उसके जी में आया कि, कि आखिर वे उसके विवाह के लिए इतने चिंतित क्यों रहते हैं वह स्वयं तो विवाह को इतना आवश्यक नहीं समझती और अगर पिता विवाह को इतना अधिक महत्व देते हैं तो फिर पात्र और कुपात्र क्या विवाह करना है कर दे किसी के भी साथ वह हर हालत में सुखी और संतुष्ट रहेगी उनकी यह परेशानी इतनी चिंता अब उससे सही नहीं जाती किंतु संकोच और लज्जा उसकी जबान पर ताला सा डाल देते हजार बार निश्चय करके भी वह पिता के वह पिता से यह बात ना कह सकी पिता को आते देख गौरी चुपके से दूसरे कमरे में चली गई राधा कृष्ण बाबू ने जैसे बेमन से हाथ मुंह धोया और पास ही रखी एक कुर्सी पर बैठ गए वहीं एक मेज पर कुंती ने चाय और कुछ नमकीन पूरियाँ पति के सामने रख दी पूरी की तरफ राधा कृष्ण ने देखा भी नहीं चाय का प्याला उठाकर पीने लगे ऐसी कन्या को जन्म देकर जिसके लिए वर ही ना मिलता हो कुंती है कुंती गौरी की माम स्वयं ही जैसे अपराधिनी हो रही कुंती ने डरते डरते पूछा जहाँ गए थे क्या वहाँ भी कुछ ठीक नहीं हुआ ठीक ठीक होने को वहाँ धरा ही क्या है चाय का घूट गले से नीचे उतारते हुए बाबू राधा कृष्ण ने कहा सब हम ही लोगों पर है विवाह करना चाहें तो सब ठीक है ना करना चाहे तो कुछ भी ठीक नहीं है कुंती ने उत्सुकता से पूछा फिर क्या बात है लड़की को देखा फिर राधा कृष्ण जी बोलते हैं हाँ देखा अच्छी तरह देखा हूँ क्या राधा कृष्ण फिर चाय पीने लगे कुंती की समझ में यह पहली ना आई उसने कहा ज़रा समझा कर कहो तुम्हारी बात तो समझ में ही नहीं आती राधा कृष्ण ने कहा समझा कर कहता हूँ सुनो वह लड़का लड़का नहीं आदमी है तुम्हारी गौरी के साथ मामूली चपरासी की तरह दिखेगा बोलो करोगी बया कुंती बोलती है विवाह की बात तो पीछे होगी क्या रूप रंग बहुत खराब है फोटो में तो वैसा नहीं जान पड़ता राधा कृष्ण ने कहा रूप रंग नहीं रहन सहन बहुत खराब है उम्र भी अधिक है पैंतीस छत्तीस साल साथ ही दो बच्चे भी उन्हीं बच्चों को संभालने के लिए तो वह विवाह करना चाहते हैं वरना वह शायद कभी ना करते उनकी ये दूसरी शादी होगी उनकी उमंगे उत्साह सब कुछ ठंडा पड़ चुका है वह अपने बच्चों के लिए एक दाए चाहते हैं मेरी लड़की की तो दूसरी शादी नहीं है वे साफ साफ कहते हैं कि मैं बच्चों के लिए शादी कर रहा हूँ कुंती ने कहा हैं जिन्हें दूसरी शादी करनी होती है वे ऐसे ही कहते हैं राधाकृष्ण बोले अरे नहीं नहीं यह आदमी कपटी नहीं है इसके भीतर कुछ और बाहर कुछ हो ही नहीं सकता उसका हृदय तो दर्पण की तरह साफ है दर्पण क्या होता है शीशा उसका खादी कुर्ता अब देखिए उसकी करेक्टरिस्टिक है जिस लड़के के बारे में बात हो रही है उसका खादी कुर्ता गांधी टोपी फटे फटे चप्पल देखकर जी ही चकता है वह नेता बनकर व्याख्यान तो दे सकता है पर दूल्हा बनकर आने लायक नहीं है तीस रुपये कुल उनकी तनख्वाह है कांग्रेस के दफ्तर में वे सेक्रेटरी हैं तीन बार जेल जा चुके हैं और फिर कब चले जाएं कुछ पता नहीं कुंती बोली आदमी तो बुरा नहीं जान पड़ता राजा कृष्ण कहते हैं बुरा आदमी तो मैं भी नहीं कहता उसे पर वह गौरी का पति बनने लायक नहीं है सच बात यह है कुंती बोली फिर तुमने क्या कह दिया कृष्ण ने कहा क्या कह देता उन्हें बुलाया हूँ अगले इतवार को आवेंगे आने के लिए भी वे बड़ी मुश्किल से तैयार हुए कहने लगे नहीं साहब मैं लड़की देखने ना जाऊँगा इस तरह लड़की देख कर, मुझसे किसी लड़की का अपमान नहीं ज... नहीं किया जाता जब मैंने समझाकर कहा कि आप लड़की देखेंगे लड़की और उसकी माँ आपको देखेंगी तब जाकर कहीं बड़ी मुश्किल से राजी हुए गौरी दरवाजे की आड़ में खड़ी सब बातें सुन रही थी जी जिस व्यक्ति के प्रति उनके पिता इतने असंतुष्ट और उदासीन थे उसके प्रति गौरी के हृदय में अनजाने ही कुछ श्रद्धा के भाव जागृत हो गए राधा कृष्ण बाबू पान का बीड़ा उठाकर अपनी बैठक में चले गए और उसी रात फिर उन्होंने अपने कुछ मित्रों और रिश्तेदारों को गौरी के लिए योग्य वर तलाशने को कई पत्र लिखे अगला इतवार आया आज ही बाबू सीताराम जी गौरी को देखने या अपने आप को दिखलाने आवेंगे सीताराम जी कौन है वही लड़का जिसके बारे में बात हो रही थी राधा कृष्ण जी ने यह पहले से ही कह दिया है कि, कि किसी बाहर वाले को कुछ ना मालूम पड़े कि कोई गौरी को देखने आया है अतएव यह बात कुछ गुप्त रखी गई घर के भीतर आंगन में ही उनके बैठने का प्रबंध किया गया तीन चार कुर्सियों के बीच एक मेज है जिस पर एक साथ धुला हुआ खादी का कपड़ा बिछा हुआ है और एक गिलास में आंगन के ही गुलाब के कुछ फूलों को तोड़कर गुलदस्ते का स्वरूप दिया गया है बहुत ही साधारण सा आयोजन है सीताराम जी सरीखे व्यक्ति के लिए किसी विशेष आडम्बर की आवश्यकता भी तो न थी यथा समय बाबू सीताराम जी अपने दोनों बच्चों के साथ आए बच्चे भी वही खादी के कुर्ते हाफ पैंट पहने थे न जूता न मोजा न किसी प्रकार का ठाटपाट पर दोनों बड़े प्रश्न हसमुख आकर घर में वे इस प्रकार खेलने लगे जैसे इस घर से चिर परिचित हो कुंती एक तरफ बैठी थी बच्चों की कोलाहल से परिपूर्ण घर उसे क्षण भर के लिए नंदन कानन सा जान पड़ा उसने मन ही मन सोचा कितने अच्छे बच्चे हैं यदि बिना किसी प्रकार का संबंध हुए भी सीताराम इन बच्चों के संभालने का भार उसे सौंप दे तो वह खुशी खुशी ले ले वह बच्चों के खेल में इतनी तन्मय हो गई कि क्षण भर के लिए भूल बैठी कि सीताराम जी भी बैठे हैं और उनसे भी कुछ बातचीत करनी है इसी समय अचानक छोटे बच्चे को जैसे कुछ याद आ गया दौड़कर पिता के पास आया उनके पैरों के बीच में खड़ा होकर बोला बाबू तुम तो कहते थे कि माँ को देख माँ को दिखाने ले चलते हैं माँ कहाँ हैं बतलाओ बाबू ने किंचे थसकर कहा ये माँ जी बैठी है इनसे कहो ये तुम्हें दिखाएंगी बालक ने मचल कर कहा उहू तुम दिखाओ और इसी समय एक बड़ी सी सफ़ेद बिल्ली आंगन से होती हुई भीतर को भाग गई बच्चे बिल्ली के पीछे सब कुछ भूलकर दौड़ते हुए अंदर पहुँच गए गौरी पिछले दरवाजे पर चुपचाप खड़ी थी वह ना जाने किस ख्याल में थी छोटे बच्चे ने उसका अचल पकड़कर खींचते हुए पूछा तुम हमारी माँ हो गौरी ने देखा हृष्ट पुष्ट सुंदर सा बालक कितना भोला कितना निश्चल। उसने बालक को गोद में उठाकर कहा हाँ बच्चे ने फिर उसकी स्वर बच्चे ने फिर उसी स्वर में पूछा हमारे घर चलोगी ना बाबू तो तुम्हें लेने आए हैं और हम भी आए हैं तब तो गौरी उसकी बातों का उत्तर ना दे सकी पूछा मिठाई खाओगे कुछ क्षण बाद कुंती ने अंदर आकर देखा छोटा बच्चा गौरी की गोद में और बड़ा उसी के पास बैठा मिठाई खा रहा है एक निश्वास के साथ कुंती बाहर चली गई और थोड़ी देर बाद जो ही गौरी ने ऊपर आँख उठाई उसने माता पिता दोनों को सामने खड़ा पाया पिता ने स्नेह से पुत्री से कहा बेटा जरा चलो चलती हो ना गौरी ने कोई उत्तर ना दिया उसने बच्चों का हाथ मुंह धुलाया उन्हें पानी पिलाया फिर माँ के पीछे पीछे बाढ़ चली गई बच्चे अब भी उसी को घेरे हुए थे वे वे उसे छोड़ना नहीं चाहते थे बड़ी मुश्किल से सीताराम जी उन्हें बुलाकर कुछ देर तक अपने पास बिठा सके किंतु जरा सा मौका पाते ही वे फिर जाकर गौरी के आसपास बैठ गए पिता के विरुद्ध उन्हें कुछ नालिशें भी दायर करनी थी नालिशें क्या होता है शिकायतें जो पिता के पास बैठकर ना कर सकते थे छोटे ने कहा बाबू हमें कभी खिलौने नहीं ले देते बड़े ने कहा मिठाई भी तो कभी नहीं खिलाते छोटा बोला और हमें छोड़कर दफ्तर जाते हैं दिन भर नहीं आते बाबू अच्छे नहीं हैं बड़ा बोला माँ तुम चलो नहीं तो हम भी यहीं रहेंगे बच्चों की बातों से सभी को हंसी आ रही थी कुंती ने बच्चों से कहा कुंती ने बच्चों से कहा तो तुम दोनों भाई यहीं रह जाओ बाबू को जाने दो है ना ठीक काफी देर हो गई यह देखकर सीताराम जी ने कहा समय बहुत हो चुका है अब चलूँगा नहीं तो शाम को ट्रेन ना मिल सकेगी फिर राधा कृष्ण की तरफ़ देखकर कहा आप लोगों से मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई लड़की तो आपकी साक्षात लक्ष्मी है और यह मैं जानता था कि आपकी लड़की ऐसी ही होगी इसलिए देखने को आना नहीं चाहता था फिर कुछ ठहर कर बोले और सच बात तो यह है कि मुझे पत्नी की उतनी ज़रूरत नहीं है जितनी इन बच्चों को ज़रूरत है एक माँ की मेरा क्या ठिकाना आज भारूँ कल जेल में मेरे बाद इनकी देखरेख देखरेख करने वाला कोई नहीं रहता यही सोच यही सोच समझ कर विवाह करने को तैयार हो सका हूँ अन्यथा इस उम्र में विवाह कहकर वे स्वयं हंस पड़े राधा कृष्ण ने मन ही मन सोचा तो मेरी तो मेरी लड़की इनके बच्चों की दाएँ बन कर जाएगी कुंती ने सोचा कोई भी स्त्री ऐसे बच्चों का लालन पालन कर अपना जीवन सार्थक बना सकती है गौरी ने मन ही मन इस महापुरुष के चरणों में प्रणाम किया और बच्चों की ओर ममता भरी दृष्टि से देखा जैसे यह दृष्टि कह रही थी किसी विलासी युवक की पत्नी बनने से अधिक मैं इस भोले भाले बच्चों की माँ बनना पसंद करूंगी सीताराम जी को जाने के लिए प्रस्तुत देख बच्चे फिर कौरे से लिपट गए झूठ ही सही यदि राधा कृष्ण एक बार भी कहते कि बच्चों को छोड़ जाओ तो सीताराम बच्चों को छोड़ निश्चिंत होकर चले जाते परंतु इस ओर से जब ऐसी कोई बात न हुई तो बच्चों को सिनेमा सर्कस और मिठाई का प्रलोभ देकर बड़ी कठिनाई से गौरी से अलग करके वे ले जा सके जाते समय सीताराम जी को पक्का विश्वास था कि विवाह होगा केवल केवल तारीख निश्चित करने भर की देर है सीताराम जी उस पत्र की प्रतीक्षा में थे जिसमें विवाह की निश्चित तारीख लिखकर आने वाली थी देश की प्रस्तुति गवर्नमेंट का रुख और महात्मा जी के व्यक्तित्व को पढ़कर वे जानते थे कि निकट भविष्य में फिर सत्याग्राम सत्याग्रह संग्राम छिड़ने वाला है न जाने किस दिन उन्हें फिर जेल का मेहमान बनना पड़े पिछली बार जब वे गए थे तब उनकी बूढ़ी बुआ थी पर अब तो वे भी नहीं रही इस कराहीन ये कराहीन क्या बच्चों की देखभाल कर सकेगी बच्चों की उन्हें बड़ी चिंता थी और बच्चे भी सदा ही माँ माँ की रट लगाए रहते थे उन्होंने फिर एक पत्र बाबू राधा कृष्ण को शीघ्र ही तारीख निश्चित करने के लिए लिख भेजा उधर राधा कृष्ण जी दूसरी ही बात तय कर रहे थे उन्होंने सीताराम जी के पत्र के उत्तर में लिख भेजा कि गौरी की माँ पुराने ख्याल की हैं वे बिना जन्म पत्री मिलवाए विवाह नहीं करना चाहती अतएव आप अपनी जन्मपत्री भेज दे। पत्र पढ़ने के साथ ही सीताराम को यह समझने में देर ना लगी कि यह विवाह करने का केवल भाना मात्र है किंतु फिर भी उन्होंने जन्मपत्री भेज दी जन्मपत्री भेजने के कुछ ही दिन बाद उत्तर भी आ गया कि जन्मपत्री नहीं मिलती इसलिए विवाह ना हो सकेगा क्षमा कीजिएगा बाबू राधा कृष्ण को गौरी के लिए दूसरा वार मिल गया था जो उनकी समझ में गौरी के बहुत योग्य था हनुवान ये भी अधिक न थे पर अभी अभी नायब तहसीलदार के पद पर नियुक्त हुए थे आगे और भी उन्नति की आशा थी बी पास थे देखने में अधिक सुंदर ना थे बच्चल भी कहे जा सकते हैं पर पुरुषों की भी कई सुंदरता देखी जाती है उम्र कुछ अधिक ना थी यही चौबीस पच्चीस साल लेने देने का झगड़ा यहाँ भी ना था पहली शादी थी और माँ बाप भाई बहन से भरा पूरा परिवार था राधा कृष्ण जी इससे अधिक और चाहते भी क्या थे ईश्वर को उन्होंने कोटिश धन्यवाद दिए जिसकी कृपा से ऐसा वर ऐसा अच्छा वर उन्हें गौरी के लिए मिल गया विवाह आगामी आषाढ़ में होना निश्चित हुआ दोनों तरफ से विवाह की तैयारियां हो रही थी राधा कृष्ण जी यही तो राधा कृष्ण जी की यही तो एक लड़की थी वे बड़ी तन्मयता के साथ गहने कपड़ों का चुनाव करते थे सोचते थे देर से शादी हुई तो क्या हुआ वर भी तो कितना अच्छा ढूंढ निकाला है कुंती भी बहुत खुश थी उसकी आंखों में यह दृश्य झुलने लगता था कि उसका दामाद छोटा साहब हो गया है बेटी दामाद छोटे छोटे बच्चों के साथ उससे मिलने आए हैं कुं किंतु बच्चों की बात सोचते हुए उसे सीताराम जी के दोनों बच्चे तुरंत याद आ जाते और याद आ जाती उनकी बात बच्चों की देख रेख करने वाला कोई नहीं है फिर वह सोचती दुनिया में और भी तो लड़कियां हैं कर ले शादी क्या मेरी गौरी ही है इस प्रकार पति पत्नी दोनों ही प्रसन्न थे पर गौरी से कौन पूछता है कि उसके हृदय में कैसी हलचल मच रही मची रहती है रह रहकर उसे उन बच्चों का भोला भाला मुंह और मीठी मीठी बातें याद आ जाती साथ ही याद आ जाते विनय नम्र और सादगी की प्रतिमा सीताराम जी उनकी याद आते ही श्रद्धा से गौरी का माथा अपने आप ही झुक जाता देशभक्त त्यागी वीरों के लिए उसने हृदय उसके हृदय में पड़ी उसके हृदय में बड़ा सम्मान था सीताराम जी ने भी तो देश के लिए अपने जीवन का उत्सर्ग कर दिया है नहीं तो बीए पास करने के बाद क्या प्रयत्न करने पर उन्हें नायब तहसीलदार की नौकरी ना मिल जाती मिलती क्यों नहीं पर सीताराम जी सरकार की गुलामी पसंद करें तब ना। दूसरी ओर थे उनके होने वाले वर नायब तहसीलदार साहब जिन्हें अपने आराम अपने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के जरा से इंगित मात्र से निरी देशवासियों के गले पर छुरी फेरने में जरा भी संकोच या हिचक नहीं जिनके सामने कुछ चांदी के टुकड़े दिए जिनके सामने कुछ चांदी के टुकड़े फेंक दिए जाते हैं और ये दुम मिलाते हुए निग्न से निग्न कर्म करने में भी किंचित लज्जित नहीं होते घृणा से गौरी का जीव भरा जाता किंतु उसके इन मदोभावों को जानने वाला यहाँ कोई भी न था वह रात दिन एक प्रकार की अव्यक्त पीड़ा से विकलसी रहती बहुत चाहती थी कि अपनी माँ से दे कि वह नायाब तहसीलदार से शादी न जो जो विवाह की तिथि नजदीक आती गौरी की चिंता बढ़ती ही जाती थी विवाह की निश्चित तारीख से पंद्रह दिन पहले एक आकार का तार आया कि नायब तहसीलदार के पिता का देहांत हो गया इस मृत्यु के कारण विवाह साल भर को टल गया गौरी के माता पिता बड़े दुखी हुए किंतु गौरी के सिर से जैसे चिंता का पहाड़ हट गया इसी बीच सत्याग्रह आंदोलन की लहर सारे देश में बड़ी तीव्र गति से फैल गई शहर शहर में गिरफ्तारियों का तांता सा लग गया। रोज ही ना जाने कितने गिरफ्तार होते कितनों को सजा होती कई लाठीचार्ज सरकार की दमन की चक्की बड़े भयंकर रूप से चल रही थी गौरी को चिंता थी उन बच्चों की जब से सत्याग्रह संग्राम छिड़ा था तभी से उसे फिकट थी कि ना जाने कब सीताराम जी गिरफ्तार हो जाए और फिर वे बच्चे बेचारे उन्हें देख उन्हें कौन देखेगा रोज़ का अखबार ध्यान से पढ़ती कानपुर का समाचार तो और भी ध्यान से देखती थी इसी प्रकार उसने एक दिन पढ़ा कि रात जो पढ़ा कि राजद्रोह के अपराध में सीताराम जी गिरफ्तार हो गए और उन्हें एक साल का सपरिश्रम कारावास हुआ है इस समाचार को पढ़कर गौरी कुछ क्षण तक स्तब्ध सी खड़ी रही फिर कुछ सोचती हुई टहलने लगी कुछ ही देर बाद उसने अपना कर्तव्य निश्चित कर लिया वह माँ के पास गई माँ कोई पुस्तक देख रही थी उसने अपने सारे साहस को समेट कर दृढ़ता से कहा माँ मैं कानपुर जाऊंगी कानपुर में क्या है आश्चर्य से कुंती ने पूछा गौरी ने कहा माँ बच्चे हैं माँ ने उसी स्वर में कहा बच्चे कैसी बात करती हो गौरी पागलों सी गौरी बोली नहीं माँ मैं पागल नहीं हूँ बच्चों को तुम भी जानती हो उनके पिता को राजद्रोह के मामले में साल भर की सजा हो गई बच्चे छोटे हैं। गौरी के स्वभाव से कुंती भली भांति परिचित थी वह जानती थी कि गौरी जिस बात की हट पकड़ती है कभी छोड़ती नहीं है अतएव सहसा वह गौरी का विरोध ना कर सकी बोली पर तेरे बाबूजी तो भार गए हैं उन्हें तो आ जाने दे गौरी ने दृढ़ता के साथ कहा बाबूजी के आने तक नहीं ठहर सकूंगी माँ मुझे जाने दो रस्ते में मुझे कुछ कष्ट होगा अब मैं काफी बड़ी हो गई हूं और उसी दिन शाम को एक नौकर के साथ गौरी कानपुर चली गई अपनी सजा पूरी करके सीताराम घर लौटे इस साल भर के भीतर उन्होंने बच्चों को एक बार भी ना देखा था उन्हें कायदे के अनुसार हर महीने उनका कुशल समाचार मिल जाता था पर बच्चों की चिंताओं उन्हें लगातार बनी ही रहती थी जिस क्राहिन के भरोसे वे बच्चों को छोड़ बच्चों को छोड़ गए थे उनके भी तीन चार बच्चे थे वे बच्चों को कैसे रखेगी सु सीताराम जी जानते थे पर विश्व विवशता थी क्या करते सवेरे सवेरे छह बजे ही जेल से मुक्त कर दिए गए एक तांगे पर बैठकर वे घर की ओर चले जेब में कुछ पैसे थे एक जगह गरम गरम जलेबियाँ बन रही थी। बच्चों के लिए थोड़ी सी खरीद ली घर के दरवाजे पर पहुंचे दरवाजा खुला था घर के अंदर पैर रखने में हृदय धड़कता था न जाने किस हालत में हूँ ना जाने बच्चे किस हालत में हों वे चोरों की तरह चुपके चुपके घर में घुसे परंतु ये क्या आंगन में पहुंचते ही वे ठगे से खड़े रह गए फिर जरा आगे बढ़कर उन्होंने कहा आप गौरी ने छुप कर उनकी पर धुली माथे से लगा ली तो ये थी हमारी स्टोरी गौरी अगर आपको अच्छी लगी हो सो प्लीज़ डू कमेंट भी एंड लेट मी नो अगर आपको कोई डाउट्स हैं इस स्टोरी में एंड लाइक माई वीडियो एंड शेयर विद योर वन योर फ्रेंड्स काफ़ी अच्छी स्टोरी थी ये <coughs> के करेक्टर्स के बारे में भी अब आपको काफी कुछ पता लग गया होगा सो डैट्स ऑल फॉर टुडे थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग स्टेट फॉर फॉर्म मिलते हैं माई नेक्स्ट स्टोरी में टिल देन स्टे यून थैंक यू सो मच